Okay, we will proceed with our question answer session. So first question is by Mr. Saumil. Saumilji, please go ahead. Yeah. Good evening, sir. My question is pertaining to today's topic. So there are two questions. The first question is regarding the penalty. Has to be done in the bylaws for levying any type of penalty by the society to a member? And the second question is the compounding interest. It can be levied on the penalty, and can it be levied on the interest which society is already charged? Saumil ji, aisa hai ki aaj ke din pe society, housing society mein bylaws mein jo likha hua hai, wo compounding interest ka provision nahi hai. In fact, interest ka provision sirf aur sirf bylaws mein hai. So MCA's Act mein interest ka provision nahi hai. MCS रूल्स में आज के दिन पे इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है. अमेंडमेंट होने वाला है, अभी ने आपको बताया आगे पीछे, वो अमेंडेड इंटरेस्ट रेट MCS रूल्स के अंदर में ही आ जाएगा. अब जहां तक पेनल्टी की बात है, तो पेनल्टी भी एक्ट और रूल्स के अंतर्गत में हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड में नहीं है. तो पेनल्टी फॉर सर्टन थिंग्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड अमेंडेड इन द बायलॉज by putting up a proper agenda in the AGM, passing it with simple majority and filing bylaw amendment procedures to incorporate any changes which relates to the bylaws. अभी कोई भी पैसा अगर मेंबर से लेना है तो आपको बायलॉज में अमेंड करना जरूरी है. अभी उदाहरण के तौर पे आपने ये डिसाइड किया कि बाहर जूता चप्पल का रैक रखा हुआ है तो उसका पेनल्टी लगाना है, लेकिन ये जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन में आता है. लेकिन जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन इफेक्टिव तभी होगा फॉर कलेक्टिंग मनी ओनली व्हेन इट इज रिटन इन द बायलॉज, व्हेन इट इज अप्रूव्ड इन द बायलॉज बाय द रजिस्ट्रार, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जिसे मैंने बताया कि सेक्शन 13 रेड विथ रूल 12 में लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो करो और फिर आप अमेंडमेंट करो. तो जो भी पेनल्टी है, जो रीजनेबल है, जो कानूनन लगा सकते हैं, वो पेनल्टी आप बायलॉज में अमेंड करके लगा सकते हैं. लेकिन आपके बात के लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ. जैसे पेनल्टी आप किस चीज का लगाओगे, आप बोलोगे भाई इलीगल एनक्रोचमेंट किया, तो इलीगल एनक्रोचमेंट का पेनल्टी लगाने का अधिकार कौन सी अधिकारी को है? आपको कुछ ज्ञान है क्या सोमिल जी? गवर्नमेंट, इफ इट्स रिलेटेड बीएमसी और बीएमसी मोर ओवर, सो म्युनिसिपल अथॉरिटी को है, फायर अथॉरिटी को है, वगैरह वगैरह. तो अगर उनको अधिकार है पेनल्टी लगाने का, तो हाउसिंग सोसाइटी को पेनल्टी लगाने का अधिकार नहीं है. क्या होना चाहिए? जूता चप्पल का रैक बाहर रखा हुआ है, आपने पेनल्टी लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रेगुलराइज कर रहे हो सरकारी कानून के विरुद्ध. कल उठ के बीएमसी आके बोलती है आपको कि भाई आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? साहब मैंने तो यहाँ पे एक साल से रखा हुआ है और इसका पेनल्टी मैं सोसाइटी को दे रहा हूँ और ये रेगुलराइज हो गया. अब एनसी वाला ये पूछता है आपको या सोसाइटी को कि भाई आपको कौन से अधिकार से आप ये पेनल्टी ले रहे हो, इसको कौन से अधिकार से आप रेगुलराइज कर रहे हो, क्या आपके पास इस चीज को इस फीस को प्रोसिक्यूट करना कोर्ट में आपके पास अधिकार में है क्या? यही कह पाओगे कि आपके पास अधिकार नहीं है. लेकिन फिर भी आपने बोला कि नहीं, हमारे तो बायलॉज में है. तो बायलॉज जो स्टैट्यूटरी एक्ट है, कानून है जो लेजिस्लेचर में बना हुआ है, उसके ऊपर जाके आप बायलॉज को अमेंड नहीं कर सकते. ठीक है, आपका और कोई प्रश्न है सर जी? नहीं, थैंक यू. थैंक यू सर. अगला प्रश्न है बाय मिस्टर के डी सिंह. अगला प्रश्न है बाय संगीता तांबे. Okay. हाँ मैडम बोलिए. हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि अंडर व्हाट सेक्शन द यू कैन रिजाइन फ्रॉम द सोसाइटी मेंबरशिप. मैडम आज के विषय पे बात करिए, सिर्फ और सिर्फ आज के विषय पे. इंटरेस्ट 21% वगैरह वगैरह. ओके ओके फाइन सर. यू सेड अंडर अमेंडमेंट द 12% इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल, विल इट बी रिट्रोस्पेक्टिव? नो, जिस दिन से कानून बनेगा उस दिन से इट विल बी अफेक्टेड. इसका मतलब यह है कि एमसीएस रूल जिस दिन अमेंड होगा, रूल में अगर 2% लिखा हुआ या 12% लिखा या 100% लिखा है, उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन वो गवर्नमेंट साइन करके उसको बोलेगी कि ठीक है, आई एम नॉट पब्लिशिंग इट. जब उस दिन इफेक्टिव हो गया तो आपका जो बायलॉ नंबर 71 और 72 है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा.
Next question is by Rishi Kapahi. Yes, so this is Kavita here from Rishi's laptop. I posted a picture yesterday because I didn't think I would be able to join. It was written that if interest is chargeable on default payment of repair fund and sinking fund, because I think you clarified that only up to the extent probably as much as the bank would be a loss for the society. That should be the recoverable. Is that a law or is that just a thought? If you refer section, if you refer bylaw number 65, bylaw number 65 says service charges of the society. Okay. Bylaw number 66 says interest on delayed payment on charges of the society. So what is this charges? This charges is the service charges of the society. BMC property tax, these all those things are not charges of the society. अभी अगर आप वो सर्विस चार्जेस में देखते हो तो क्या उसमें सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड वगैरह लिखा हुआ है क्या, वो एक चेक करने वाली बात है. सो आई एम सीइंग इट, आई डू नॉट फाइंड एनी सिंकिंग फंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. वी हैव टू ओबे द बायलॉज, दैट इज फॉर श्योर. एवरीबडी हैज टू ओबे द बायलॉज इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी. सो यू आर बाउंड बाय द बायलॉज, यू आर ऑल्सो बाउंड बाय द बायलॉज, द सोसाइटी इज ऑल्सो बाउंड बाय द बायलॉज, एंड इवन द रजिस्ट्रार एंड द कोर्ट ऑल्सो इज बाउंड बाय द बायलॉज. अब अगर बायलॉज में म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं लिखा हुआ है सर्विस चार्जेस के अंदर में, अगर आपको सिंकिंग फंड नहीं लिखा हुआ है, रिपेयर फंड नहीं लिखा हुआ है, तो वॉट डू यू थिंक कापी मैडम, चार्ज हो सकता है क्या इंटरेस्ट उस पर? नहीं. ओके, सो आपने अपने ही प्रश्न का उत्तर दिया. सिक्सटी फाइव और 66 ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये समझ में आएगा कि इंटरेस्ट किस चीज पे लग सकता है. बायलॉज खुद ही बोलता है वो चीज. लेकिन टिपिकली जैसे मैंने बताया, हर सोसाइटी ये सोचती है कि जो भी बिल में अमाउंट है सबके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो. करेक्ट. ऑल्सो इन बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन टुडे यू सेड समथिंग अबाउट मेंबर्स रेजिग्नेशन, वेयर यू कैन व्हेन यू रिजाइन यू कैन टेक बैक योर सिंकिंग फंड एटसेट्रा. इज बट एज फार एज आई नो इट इज नेवर गिवन. सिंकिंग फंड इज पंक. एक बार ही आपने भर दिया तो वो आगे का जो भी मेंबर होएगा वो करेगा. सो मेंबरशिप रेजिग्नेशन इज ओनली व्हेन यू लीव द सोसाइटी, यू सेल योर फ्लैट, राइट? नॉट नेसेसरी. फॉर एग्जांपल यू बाय ए फ्लैट फ्रॉम ए बिल्डर. ओके, बिल्डर का अनसोल्ड फ्लैट है. मानो बिल्डर ने 100 फ्लैट बनाया और बिल्डर ने उसमें से 5 फ्लैट अपने पास में रख लिए. बोलता है 5 फ्लैट तो मेरे हैं, मुझे आपका मेंबर नहीं बनना है. लेकिन बायलॉज के हिसाब से और एक हाईकोर्ट की जजमेंट के हिसाब से कि अनसोल्ड फ्लैट के ऊपर भी आपको सोसाइटी का सर्विस चार्जेस देना है. और अभी आपने खुद समझाइए कि सर्विस चार्जेस डज नॉट इंक्लूड सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड एक्सेट्रा. इसका मतलब आप उस मेंबर से, जब आपका मेंबर ही नहीं है तो आप उसे सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन जो सर्विस चार्जेस है वो पक्का ले सकते. ठीक है. अभी आपने फ्लैट बाय कर लिया बिल्डर से और बोला कि भाई मुझे आपका मेंबर नहीं बनना, मुझे आपका मेंबरशिप नहीं चाहिए. कानून में प्रोविजन है मेंबरशिप इज वॉलंटरी, बट टाइटल ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट इज मैंडेटरी अंडर व्हाट इज कॉल्ड एन एक्ट, इज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेड विथ स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, रेड विथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, रेड विथ 350 ऑफ द आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल. ये सब आपके टाइटल ओनरशिप के कानून है. मेंबरशिप कंपलसरी है, ये कानून में कहीं पे भी लिखा नहीं, ना एसोसिएशन में, ना हाउसिंग, ना सोसाइटी में. तो यू कैन स्टे इन योर फ्लैट विदाउट बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी. आपका जो भी सर्विस चार्जेस का बिल आता है वो दो और आराम से खुश होकर रहो. सोसाइटी इज नॉट बाउंड टू टेल यू कि नहीं आपको मेंबरशिप लेना ही पड़ेगा और आपको शेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. और यही इसी तरह जब आप फ्लैट ले लेते हो और मेंबरशिप भी ले लेते हो तो देयर इज अ प्रोविजन, आई थिंक इट इज सेक्शन 27 या 28 या 29, नीड टू चेक इट अप इन द एक्ट, सेक्शन 20, बिटवीन 27, 28, 29, व्हिच प्रोवाइड्स दैट यू आर एंटाइटल्ड टू रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी. सो इफ द एक्ट इटसेल्फ प्रोवाइड्स दैट यू रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी, यू कैन डू इट व्हेन यू आर परचेसिंग द फ्लैट
यू कैन डू इट आफ्टर यू हैव बिकम ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, 5 साल 10 साल के बाद में, कि भाई आप लोग चोर हो, मेरा पैसा खाए जा रहे हो, मेरा जो सिंकिंग फंड ले रहे हो वो कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। और ये तो एविडेंट है, शायद आपका भी तजुर्बा रहा होगा इस सब चीजों में, कि आपका पैसा तो मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटी की फितरत है मिस अप्रोप्रिएशन करने की। और ये मैं नहीं कहता हूं, आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाओ, उनको स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट मांग लो कि आपके आपके पास में सेक्शन 83 की कितनी कार्यवाही चल रही है, सेक्शन 88 की कितनी कार्यवाही चल रही है, ये दोनों मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की कार्यवाही है, सेक्शन 98 में कितने ऑर्डर निकाले आपने, मिस अप्रोप्रिएशन के बाद में जो वसूली किया जाता है ना वो अमाउंट, वो 98 में आता है, मंत्रालय में डाल दो एप्लीकेशन कि आपके पास कितना एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि इतनी थप्पी पड़ी है वहां पे इस सब सेक्शन के लिए। जब थप्पी पड़ी है तो जादू से तो नहीं आई है ना, वो वहां पे हुआ है तभी तो वहां पे गए हो आप। सो कंक्लूसिव ऐसा है कि आप मेंबरशिप से जब मन मर्जी आए रिजाइन कर सकते हो, मेरा पैसा जो आपके सिंकिंग फंड रजिस्टर में पड़ा हुआ इतने सालों का, आई एम एंटाइटल्ड टू क्लेम इट बैक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 91 एमसीएस एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। ये सब कानून के दायरों में मेल मिलाप करा के आप अपना काम बड़े आसानी से करा सकते हो। Is there a time limit for when the society can actually put a case and take outstanding money? Is there a time limit of 3 years, 5 years, or is it just... Now, MCS Act is a state act. सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए स्टेट एक्ट है, बट द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट इट इज ए सेंट्रल एक्ट। सो लिमिटेशन एक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन आई थिंक इट इज 154 और 254 और आई थिंक इट इज आर्टिकल एक्चुअली 254 विच सेज कि द सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट एक्ट। इट इज आर्टिकल 254 एक्चुअली, नॉट सेक्शन। Okay. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाह कर भी बोलो कि नहीं नहीं हमको लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं पड़ता है, लेकिन देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस महाराष्ट्र स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पे लापरवाही की वजह से या तो अज्ञान की वजह से वो लिमिटेशन एक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार बोलता है, भाई आपको तकलीफ है मेरे ऑर्डर से, आप कोऑपरेटिव कोर्ट जाओ, आपको मेरे ऑर्डर के आगे उसमें तकलीफ है आप हाई कोर्ट जाओ। लेकिन जो डिफॉल्टर है वैसे भी उसके पास पैसे है नहीं, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा अल्टीमेटली। तो यहाँ सारी डिफिकल्टीज की वजह से ये सब मामला ठप पड़ा रहता है। सेंट्रल लॉ इज विल ऑलवेज सुपरसीड द स्टेट लॉ। बट कैन इफ यू पुट अ केस एंड यू कैन पुट दिस आल्सो इन अ कोऑपरेटिव कोर्ट दैट द सेंट्रल लॉ डज प्रोवाइड। ऑफ कोर्स, यस यू कैन डू इट। एंड यूजुअली फॉर योर इन्फो, कोऑपरेटिव कोर्ट डज नॉट अलाउ ऑल दिस न्यूसेंस, दे आर वेल वर्स्ड विद इट, नॉट अनलाइक द लोअर का, आई मीन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज रजिस्ट्रार लेवल के जो है। ओके, सो वी विल, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर वामन पाई। अगला प्रश्न है बाय मिस्टर रमेश केलकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। यू हैव बीन एम्फसाइजिंग इन वर्चुअली एवरी वेबिनार दैट द bylaws can be only amended and cannot be adopted. Now the situation in many societies that in 2014 when the new bylaws came, they adopted the entire book in which 21% is given as the interest. Now if they charge 21% without any, I mean only it is approved in the AGM, instead of 21% will take 18%. So is that allowed since the bylaws are already adopted? Or only this clause has to be amended again? Let me put it this way for understanding of all our friends here. आपके सोसाइटी 1980 में रजिस्टर हुई। हाँ जी। उस समय बायलॉ में प्रेज्यूम करते एक मोमेंट के लिए कि इंटरेस्ट सिर्फ 3% था, ठीक है? Yes. 1985 में आपने बायलॉस को अमेंड किया, आई एम नॉट सेइंग अडॉप्ट किया, बट अमेंड किया लेटर से। ओके। और 85 में आपने वो 3% को कर दिया 9%, समय बदली हुआ, समय के अनुसार आप चले तो बदली कर दिए 9% पे लेकर आ गए। बायलॉज अमेंड करने का जो सेक्शन मैंने आपको बताया 13 सेक्शन रेड विथ रूल 12, लेकिन ये दोनों को जो सुपर सीड करता है सेक्शन को है 72 सेक्शन 72।
बायलॉ अमेंड करने का जो सेक्शन है उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया हुआ है सेक्शन 72 में. 72 सेक्शन क्या है? मैनेजिंग कमेटी डिसीजन है सुप्रीम, वो वाला सेक्शन 72 में आता है. ओके. जब तक सेक्शन 72 का रिजोल्यूशन को स्ट्राइक डाउन नहीं कर देते आप, तब तक पुराना जो रेजोल्यूशन है सेक्शन 72 के अंदर में एजीएम में, वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा. ओके ओके. उसको स्ट्राइक डाउन करना है आपको, तो आप उसको चेंज कर सकते हो. चलो 1985 हो गया, 1990 हो गया, 2001 में दूसरा बायलॉ आया, उसके अंदर आ गया 21% आ गया. आपने बोला पूरा का पूरा बायलॉ का चोपड़ा लेके आया 50 रुपए का और उसको अमेंड कर दिया, आई मीन अडॉप्ट कर लिया. आपके शब्दों में हम पूछते हैं अडॉप्ट कर लिया. एडॉप्शन का तो प्रोसेस है ही नहीं वैसे. आप बुक में अगर आप वर्ड को ढूंढेंगे तो अडॉप्शन का प्रोसेस नहीं है. ये बेवकूफ बनाने वाला चक्कर चलता है यहाँ पे, इसलिए हमारे एमसीएस एक्ट में हजारों लाखों डिस्प्यूट्स क्रिएट होते रहते हैं. चलो ठीक है, आपने कर लिया. 2007 में आपने ये सोचा कि नहीं, सारे लोग ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इसको 9% करो, क्योंकि सेक्शन 72 में जो जनरल बॉडी का डिसीजन होगा वही मेजोरिटी डिसीजन होगा. तो 2007 में आपने 9% किया और आपने प्रूडेंटली प्रोसीजर फॉलो करके बायलॉ को अमेंड करा के लिया. रजिस्ट्रार के पास में ठप्पा लगाया, ये वो किया और लेकर आ गए. 2011 में दूसरा बायलॉ लेकर आ गए, कमेटी बदली हो गई, बोले नहीं नहीं परवट अपना है 21% एम तेम वगैरह वगैरह, आपने कर लिया. अब वो भी जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है, 2007 में भी जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है, लेकिन जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन को ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता. या तो कोऑपरेटिव बोर्ड से नल एंड वॉइड करा के लेके आओ, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास पावर नहीं है. या तो एजेंडा में लिखो टू नलीफाई द अर्लियर एजेंडा अर्लियर रेजोल्यूशन पास्ड ड्यूरिंग 2007. 2020 में आपने वापस 9% कर दिया जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में सबके मानने के हिसाब से. अनजाने में आपने 2014 का अपना 2022 का बायलॉ लेकर आया, उसमें 21% लिखा हुआ है. ना चाहते हुए भी आपका जो 18% का जो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन था, इस बायलॉ को अडॉप्ट करने की वजह से खिचड़ी पक गई. ना चाहते हुए भी आपने 21% कर लिया. तो आपने कितनी बार चेंजेस किया? करीबन 7-8 बार चेंजेस कर दिया. That is why the law provides section rule 8 देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है bylaws of the society will remain the bylaws of the society. Yes, yes. तो जो है वो permanently वही बना रहेगा, उसको जितनी मर्जी आप चाहो amend करते जाओ. amend करो. और ये ऐसा होता था till few years back, लगभग 15-20 साल पहले, players जिसको बोल सकता हूं मैं आए market में और उन्होंने bylaws की किताबें छापनी शुरू की. आपको ज्ञान होगा, आप तजुर्बेकार व्यक्ति हैं सर जी. और फिर लोगों को बोला कि नहीं नहीं इसको अडॉप्ट करना है करके. वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जिसको अधिकार नहीं है बायलॉज अडॉप्ट करने का डायरेक्शन देने का, उसने भी डायरेक्शन देना शुरू. सम बड़ी सम रजिस्ट्रार यू नो पास्ट एंड क्या बोलते हैं उसको डायरेक्शन लेटर, नॉट एन ऑर्डर, डायरेक्शन लेटर. एंड नोबडी चैलेंज्ड इट. और आपको यह भी पता होगा कि भाई एक ने किया तो भेड़ चाल के तरह बाकी सब जन भी करने शुरू हो जाते हैं. सो आप अमेंड कर लो, अडॉप्ट कर लो, जो भी कुछ कर लो. अगर अडॉप्ट किया हुआ है तो कोऑपरेटिव कोर्ट में वो वाला अडॉप्टेड बायलॉज को कचरे के पेटी में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया. व्हाट इज कॉल्ड एज ड्यू प्रोसीजर्स ऑफ लॉ. यस यस. तो वो फॉलो करना जरूरी है. एनीवे सर, एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर आई टेक? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्वप्ना राहुल. सर मुझे ये प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करना है. जैसे आपने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स सर्विस टैक्स के सर्विस चार्जेस के अंदर नहीं आता है और उसके कारण उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना वैलिड नहीं होता है. लेकिन अभी मैम मैंने नहीं कहा है, वो बायलॉ नंबर 65 और 66 कह रहा है. आपके पास खुद भी बायलॉ नंबर एज पर बायलॉ. यस सर. तो अभी उसमें ही लिखा है, अभी अगर सोसाइटी प्रॉपर्टी टैक्स का लेट पेमेंट करती है तो वहां पर भी 1% का इंटरेस्ट लगता है. तो वो सोसाइटी करती है कि चलो उनकी गलती हो गई, कमिटी की, ये मान सकते हैं. लेकिन जो कोई डिफॉल्टर होता है उस वो इनकम टैक्स का जब रिटर्न फाइल करता है तो उसमें वो प्रॉपर्टी टैक्स का बेनिफिट लेता है. तो वो डिफॉल्टर होने के बावजूद सोसाइटी जब उनके बिहाफ में पेमेंट करती है
तो उनको सोसाइटी को क्या उससे इंटरेस्ट नहीं लगाना चाहिए? लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन बायलॉ में लिख दो ना फिर, अगर आपको लगाना है तो मैम। ओके, कानून में प्रोविजन डालने में क्या तकलीफ है? बायलॉज तो आपके घर की खेती है, जब मर्जी अच्छा अमेंड करते जाओ उसको, हर महीने अटेंड करो, सॉरी हर साल अमेंड करो उसको, पर अमेंड करो तो सही। आप उस सर्विस चार्जेस का जो 12 आइटम है उसमें आपको क्या तकलीफ है? आपके फ्लैट का प्रॉपर्टी टैक्स का वर्ड भी ऐड करने के लिए बायलॉ टिपिकली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक बार इश्यू किया, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक जमाने में, उसके बाद में कुछ एजेंसी उसको लेके अपने मन मर्जी से छापते जा रहे हैं, उसको जो मर्जी है लिखा टेढ़ा मेढ़ा किया ये किया वो किया और छापते जा रहे हैं। अगर आप आज मार्केट में जाके ये पूछोगे कि मुझे पिछले 30 ईयर्स के बायलॉज की कॉपी चाहिए, तो आपको कम से कम 7-8 प्रकार की बायलॉज की कॉपी मिलेंगी और रिलेटेड टू ओनली हाउसिंग सोसाइटीज। अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको ये लगेगा अरे इसमें तो ये लिखा था, ये लिखा था, फिर इसमें तीसरे में ये लिखा है, फिर चौथे में ये लिखा है। और आप किसी को पूछोगे कि भाई ये जब लिखा एक में ये था तो दूसरे में चेंज कभी हो गया और कैसे हो गया? Okay. और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को पूछोगे अगर आप कि सर ये तो 8 बायलॉज इसमें अलग अलग है, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि पहला वाला जो बायलॉज है वो मेरा है, जो 7 बाकी के जो बायलॉज है वो मेरे नहीं है, जिसने लिखा है उसको जाके पूछो। और उसको जाके पूछोगे तो बोलेगा भाई मेरी मर्जी है मैंने कर दिया, अगर आपको बेवकूफ बनना है तो आप बनो, आपकी आपका जिम्मेदारी था कानून देख के आप उसको बायलॉज को पास करते या नहीं करते। तो जिससे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इट इज अ रैकेट, एक स्कैम चल रहा है। ओके। एक एजेंसी प्रिंट करती है बायलॉज तो वो 1,00,000 कॉपी प्रिंट करती है, 100 रुपए में बेचती है, वो 100,00,000 हो गया मतलब 1,00,00,000 रुपए हो गए, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है मे बी मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज, और हम लोग जाके खुशी खुशी उसको 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए दे के लेके आते हैं। अमेजोन में सोसाइटी के बायलॉज अवेलेबल है शायद 150-200-300 रुपए के बायलॉज है। तो इट इज ऑल रैकेट, यू हैव टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर्स, प्रोसीजर एक्ट और रूल्स भी लिखा हुआ है, उसी को फॉलो करोगे तो ही आपका बायलॉज इनफोर्सिबल होगा। और वैसे भी आपको ये बता दूं कि बीएमसी सेक्शन 80 क्यूआ नॉट 80 280 और 281 में ये प्रोविजन है कि बीएमसी ने सोसाइटी को बिल किया 1,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स, और सोसाइटी को 4 मेंबर से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिला, मतलब लेटर से 4,00,000 नहीं मिला। बीएमसी क्या आज के दिन में सोसाइटी क्या करती है कि पूरा का पूरा 1,00,000,000 जमा कर देती है वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स, बगैर आपसे पूछे कि भाई आपसे तो मिला नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं जमा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं तो कानून में लिखा है हमको झंझट में नहीं पड़ना वगैरह। सोसाइटी का क्या काम है, जितना आया उतना जमा करो, क्योंकि आप उनके बिहाफ में कलेक्शन कर रहे हो, यू आर ए प्रॉक्सी, आप उनके बिहाफ में कलेक्शन कर रहे हो, त्यांच्या वतीने तुम्ही त्यांचे वसुली करतात, आई मीन हिंदी मराठी में बताया मैंने आपको। ओके सर। आपने वसूली नहीं किया तो आपका काम है बीएमसी को इन्फॉर्म करने का कि साहब ये 5 मेंबर ने इतना अमाउंट है पैसा नहीं दिया है, सेक्शन 280 या 281 बीएमसी एक्ट का प्रोविजन है कि आप उस मेंबर को नोटिस इश्यू करो, मतलब बीएमसी अब उस मेंबर को नोटिस इश्यू करेगा कि सोसाइटी से ऐसा ऐसा आया आपने मेरा पैसा नहीं दिया हुआ भरो, नहीं तो मैं आपका फ्लैट ऑक्शन करता। अब 99% सोसाइटीज ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करती, तो गलती कोई भी नहीं करता है, नहीं कोई भी नहीं करता, ऐसा नहीं है, 100 में से कम 95 लोग तो नहीं करते, 95 लोग नहीं करते जो प्रूडेंटली या ईमानदारी से सोसाइटी चला रहे हैं, जिनको नॉलेज है वो करता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिस्टर वामन पाई। यस सर, मैं व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट अभी सपोज ये लोग ने इंटरेस्ट रेट फिक्स किया 21% व्हिच यू आर टेलिंग इज इलीगल, एंड ये एजीएम में भी पास कर दिया। सपोज आई डिड नॉट से कि 21% इंटरेस्ट रेट इज इलीगल, बट इफ यू आर पासिंग इट बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स ऑफ लॉ then it can be legal, but when you compare it with other factors, बिजली का, गैस वाले का, टेलीफोन वगैरह का, तो comparatively it is illegal. If the matter goes to court for this particular thing, तो आपका ये interest rate strike down हो जाएगा।
Right, so for question's sake, let us assume that they have followed the procedure and they have fixed 21%, or they have not followed the procedure and they have fixed the rate at 21%. Okay. Suppose in some other matter, the society is made to pay damages or excess amount collected to the members back. At that time, can the member say that to the court that the rate of interest fixed by the society is 21%, so therefore he is entitled to get to 21% interest for his damages? Are you getting my keyboard or something? हाँ, आप ये कह रहे हो कि सोसाइटी अगर आपसे 21% लेती है, तो आपको भी एक सोसाइटी से 21% मिलना चाहिए. Right. Well, ऐसा वाला कानून तो नहीं, बायलॉज में नहीं लिखा हुआ, अनफॉर्चुनेटली. और कोर्ट एंटरटेन भी नहीं करती है. कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट है, तो कंज्यूमर कोर्ट स्टार्ट्स विद 9%. आज तक के इतिहास में ऐसा आया है कि कंज्यूमर कोर्ट हैज मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवॉर्डेड यू 12% फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग लिटिगेशन. राइट सर, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कांट वी आर्ग्यू लाइक दैट कि सिंस द एजीएम हैज पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ 21%, it is just like a contract between the member and the society that there is the rate of interest for any transactions will be 21% in normal court proceedings, I'm telling. Typically, this is a one-sided contract. That is why I said it is easily challengeable in a proper court of law. Whereas, agar aap usi mein ye bhi likh dete, aap usi 72 mein, ke to and fro interest rate hoga from society to member 21% and from member to society 21%. Agar society is not supposed to be giving you any money, you society is only supposed to be taking money from you. Right, sir. है ना, मेंटेनेंस चार्जेस आपको सोसाइटी को देना है, लेकिन सोसाइटी से मेंटेनेंस चार्जेस यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू करेक्ट. आप सोसाइटी को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हो. नहीं, व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू मिस्टेक ऑफ सोसाइटी, इफ सोसाइटी एंड्स अप कलेक्टिंग मोर मनी फ्रॉम मी, इन दोस केसेस आई एम टेलिंग यू. यस, बट दैट इज नॉट, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी, इजंट इट? यू आर क्लेमिंग सम सॉर्ट ऑफ डैमेजेस और कंपनसेशन और सम deficient amount for some unfair trade practice or something of that sort. So, that can be decided as per the court rules. Different. जैसे अभी CPC में देखोगे, Civil Procedure Code में देखोगे, तो उसके अंदर अलग प्रकार का procedure दिया हुआ है. So, my consumer protection में है, तो उसमें अलग प्रकार का. Right. So, my relief will be only what is prescribed in the Act, not as per the bylaw. No, sir. Right. Sir. Thanks a lot, sir. Next question is by Mr. Uday Kumar Tandon. Yes, sir. If a defaulter is paying part payment and this part payment society recovers under the part of the interest total is accumulated interest, again that interest, is it not a compound interest society charging? Let us take for an example, आपका 1000 रुपए society से, आपको society को 1000 रुपए देना बाकी है और उसके ऊपर 1000 रुपए interest भी हो गया, उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, और आपने society को बोल दिया कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूं, देयर इज अ लॉ आल्सो फॉर दिस थिंग, कि अगर आपने सोसाइटी को नोटिस में बोला कि ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं 1000 रुपया, इट शुड बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द प्रिंसिपल. दैट मीन्स यू नीड टू पुट द सोसाइटी ऑन नोटिस कि दिस अमाउंट विच आई एम गिविंग यू शैल बी टेकन, शुड बी क्रेडिटेड ओनली अगेंस्ट माई प्रिंसिपल अमाउंट. देन द सोसाइटी इज बाउंड टू डू दैट ओनली बिकॉज देयर इज अ लॉ टू इट, देयर इज अ सेक्शन टू इट. ओके. But however, if you do not mention anything at all, then the society is at liberty to credit it first towards the interest and the balance residual principal amount pe interest aapka lagte jayega aaj ke din ke cooperative laws ke hisab se, cooperative bylaws ke hisab se. Sir, mera yahi question hai ki yadi wo mention nahi karta hai aur society ko pura liberty hai, to bhi first interest lene se वो इंटरेस्ट नहीं लेता था पहला, तो प्रिंसिपल से वो रिड्यूस होता था, ये इसके वजह से वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता इससे? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने समझो 1000 रुपए दिया और सोसाइटी ने पूरा 1000 रुपए इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया, आपका बचा क्या प्रिंसिपल. तो 31 मार्च तक आपका इंटरेस्ट होता है 1000 रुपीज, 31 मार्च तक आपका होता है प्रिंसिपल भी होता है 1000 रुपीज. अब आपसे सोसाइटी वैसे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं ले रही थी. सोचिए सर, 1000 रुपीज प्रिंसिपल, 1000 रुपीज इंटरेस्ट है, 500 उसने डिफॉल्ट प्रोटेक्टर ने दे दिया, तो 500 इंटरेस्ट में उन्होंने काट लिया. यदि वो प्रिंसिपल रिड्यूस होता था 500 से, तो उसका आगे में इंटरेस्ट कम होता था, उसको 500 पे इंटरेस्ट लगता था, अभी इंटरेस्ट से निकाल लिया, इसलिए 1000 में इंटरेस्ट आ रहा है.
इंटरेस्ट आपका सेम टू सेम फैक्टर बना ही रहेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कभी भी नहीं दे रहे हो। ₹5 इंटरेस्ट आज के कॉपरेटिव लॉस के हिसाब से ₹5 है, फिर ₹5 है, फिर ₹5, ऐसे करते करते ₹1,000 पहुंचा। मेरा सवाल यह है कि ये प्रिंसिपल जो रिड्यूस होता था वो आगे चल के वो ₹500 पे ही इंटरेस्ट आता था, अभी तो ₹1,000 पे इंटरेस्ट चल आया है ना उसको। दिस इज नॉट कंपाउंडिंग, दिस इज नॉट कंपाउंडिंग। कविता मैडम, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस थिंग? ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन इफ यू वांट टू। आई थिंक ही इज मिसअंडरस्टैंडिंग। इट इज व्हाट सर इज सेइंग इज दैट व्हेन यू आर पेइंग दैट ₹500, you have to write a letter with a notice saying that it is towards your principal and it is not towards the interest. Then only they will charge you interest on the balance 500. But when you are not going to do that and you are going to just give the ₹500, then the society is at liberty to first deduct it from the interest due to them. That is what sir is trying to tell you, that it is possible but only if you put it on notice. तो आपको एक चिट्ठी देनी पड़ती है साथ में कि मैं ये अपना जो मेरा ₹1,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और ₹1,000 मेरा इंटरेस्ट बनता है, मैं आपको ₹500 दे रहा हूँ, यू हैव टू एडजस्ट इट अगेंस्ट माय प्रिंसिपल, सो आई विल नाउ बी ₹1,000 आपका इंटरेस्ट रहेगा वो आप बाद में पे कीजिए और आगे से आपको सिर्फ ₹500 पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। देन इट बिकम्स बाइंडिंग, दैट इज व्हाट सर इज ट्राइंग टू से। एम आई राइट सर? Yes, ma'am. Very correct. That is what somebody has just posted that particular section also. Yeah, so that is 59 of the Indian Contract Act. Yeah, if you just give the money and then expect that they will do it, no, because they are waiting for that. They are waiting to eat your 21% today. उनको 20% किधर मिलता है दुनिया में? ये business में भी नहीं मिलता. Okay, I will like to invite this person, Sarad Saradmi. Yeah, I think what Mr. Tandil says is correct. The law of appropriation of payment is very clear, and it says, suppose there is a bill outstanding of ₹500 and a payment is made of ₹500, irrespective of whether a letter is given or not, if that payment is accepted, it has to be applied towards that 500 only. So, for example, if every month a society is raising a bill of say an odd figure of ₹630 and the member keeps paying ₹630 corresponding to that bill every month, even without a covering letter, society is bound to apply that ₹630 for that bill even if there is no letter. There is a clear example given in section 59. If you give me a minute, maybe I will retrieve that section and post it. You are correct. It is there already. Yeah. I did not remember the exact section number, so I was ignoring it. Yeah. But anyway, you posted it. Thank you for it. Yeah. And this is a central act. So far as I know, in fact, I sent a letter to the registrar also as well as the society. They have not answered me for the last 1 year. When they started misappropriating my payments, as Mr. Tandil said, you make a payment towards the bill, they adjust it against interest and show it effectively, it results in compounding. Nobody has answered, and there is nothing in the Maharashtra Cooperative Societies Act, rules, regulations, how the payment is to be appropriated. If there is nothing, correct me if I am wrong, because I am not as familiar, just getting familiar now. You are right. You need to give a notice along with your payment. Yeah. Signifying specifically ki ye payment mein kaun se head ke under mein de raha hun, and I restrict you from using this payment for any other head. Then your liability is reduced under that particular head. Anyways, thank you, sir, for joining in. Thank you. Mr. Rakesh Malhotra. हाँ, ओके, थैंक यू सर। सर, जैसा मैंने समझा कि एक्यूपायर जो है, नॉट अ नेम्बर, एक्यूपायर, तो उसको डिफॉल्टर बनाते समय अपना जो मेंटेनेंस चार्ज है वो इसको उसके ऊपर ही अपन उसको डिफॉल्टर डिफॉल्टर के चार्जेस लगा सकते हैं, राइट? और जैसे ही वो नेम्बर हो जाता है तो बाद में फिर वो दो चार्जेस फिर कैसे लगाएंगे उनको, जैसे अदर चार्जेस जो उनको
आपके प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल। रिफ्रेस करिए। ओके ओके सर, मैं फिर से बता देता हूँ। अभी जैसे ऑक्यूपायर है वो नेम्बर नहीं बना है अभी तक, मे बी एक साल से नेम्बर नहीं बना है सोसाइटी का, और वो मेंटेनेंस चार्ज में कुछ एक भी पैसा नहीं दे रहा है। तो अभी मुझको उसको डिफॉल्टर बनाना है, जैसे प्रोसीजर वैसे मैं बनाऊंगा, एक तीन महीने का जो है ऑल दौड़ दे, पर उसमें हमको वहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस को ही दिखाना पड़ेगा ना वहाँ पे, हमें उनका जो वाटर चार्जेस है वो सब नहीं लगा सकता है ना उनको, आपने जैसे जैसे मैंने समझा। सर्विस चार्जेस है आपका उस फ्लैट के 101 के अगेंस्ट में, आप सर्विस चार्जेस का एक बिल दे रहे हो 1000 रुपए का। आपको फ्लैट का फ्लैट ओनर का नाम पता नहीं है, फ्लैट ओनर गुजर गया है या अब्रॉड भाग गया है वगैरह वगैरह। तो आपको अगर ये समझ में आता है कि वहां पे एक राकेश नाम का एक आदमी रह रहा है, तो आपके सामने ये है कि राकेश ऑक्यूपायर उस समय और सुरेश इज द ओरिजिनल ओनर ऑन द सोसाइटीज रिकॉर्ड आईजे रजिस्टर में। तो जब आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल करोगे तो सुरेश का अगर वेयर अबाउट अता पता नहीं पता है आपको अगर, तो आप सोसाइटी को क्या करना है, आप ऑक्यूपायर को भी रोप इन करोगे, लपेटे में लोगे। okay. पहला नाम आएगा सुरेश का, सेकेंड नेम आएगा राकेश का। तो राकेश एज ऑक्यूपायर लिखो वहां पे, रिस्पॉन्डेंट नंबर वन मेंबर ऑफ सोसाइटी, रिस्पॉन्ड अपना रिस्पॉन्डेंट नंबर टू राकेश ऑक्यूपायर, और सभी को नोटिस जाएगा वगैरह। और अगर किसी कारणवश सुरेश लास्ट मोमेंट तक हाजिर नहीं होता या गायब रहता है टोटली, और ड्यूज वसूली करने का काम जो है वो ऑक्यूपायर के ऊपर आता है, और ऑक्यूपायर भी नहीं दे पाता है, तो एक्ट में एमएलआरसी एक्ट में महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के हिसाब से जब रिकवरी ऑफिसर आएगा तो वो फ्लैट 101 का फ्लैट को सील करके बाकी का प्रोसीजर वसूली करेगा, अगर सुरेश नहीं मिलता है तो भी, और राकेश अगर पैसा नहीं देता है तो भी। ओके रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं रुकेगा। ओके जैसा मेरा बिल टोटल बिल 1000 का है और मेंटेनेंस चार्ज है उसमें 500 है, तो फिर हम 500-500 ही लगा उनको डिफॉल्टर बना सकते हैं ना 500 के ऊपर सर। 1000 रुपए का बिल किस चीज का बन गया फिर? मीन्स उसमें वाटर चार्जेस अलग आता है, बाद में ये प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, सब बन के टोटल 1000 हो जाता है। तो रिकवरी प्रोसीडिंग में आप ब्रेकअप दे दीजिए कि सोसाइटी की लायबिलिटी क्या क्या चीज के ऊपर है। हम तो आज सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो है वो सर्विस चार्जेस के ऊपर है। करेक्ट करेक्ट, आउटस्टैंडिंग ड्यूज में सारा कुछ आ गया। करेक्ट करेक्ट, तो उसको जो इंटरेस्ट है वो सर्विस चार्ज जो 500 है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग, फिर बिल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके सर, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट ओनली ऑन सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस डिफाइंड इन बायलॉ नंबर 65। हर सोसाइटी हर आइटम के ऊपर इंटरेस्ट लगा देती है, वो गैर कानूनी है। मेंबर अगर प्रॉपरली चैलेंज करता है तो वो सोसाइटी का पैसा भी वेस्ट होता है और खुद का भी पैसा वेस्ट होता है। Anyway, thank you Mr. Rakesh for joining in. Yeah, thank you sir. Thanks a lot.